आस्था का प्रतीक पुष्कर कभी आइए यहाँ एडवेंचर के लिए। सावित्री माता का जो टेंपल है वहाँ अगर रोपवे में आप जाते हैं ऐसे दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे, गजब और बेहतरीन नज़ारा। पूरा पुष्कर दिखता है यहाँ से। हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, पहुँचने वाले हैं सावित्री टेंपल। लेकिन टेंपल पहुँचने से पहले कभी भी आप इन नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करने से मत भूलना, बहुत अच्छा लगेगा। प्रकृति, रोमांच और आस्था, ऐसा ही तो है अपना पुष्कर। पुष्कर के बहुत से रंग हैं, इन्हीं रंगों में से एक रंग है आस्था का, और अभी हम उसी आस्था के लिए रोमांच के साथ खेलते हुए पहुंच गए हैं सावित्री माता मंदिर। ये लीजिए, दर्शन कीजिए, गजब और बेहतरीन नज़ारा आप ऊपर से भी देखेंगे। आप जब यहाँ से नीचे की तरफ उतरेंगे तो अपने चारों तरफ नज़रें घुमाना, आपको अरावली पहाड़ियाँ अपने आगोश में समेटने के लिए आतुर दिखेंगी। ये जो रोपवे है आपको आनंद से भर देता है, रोमांच से भर देता है। मन करता है कि यहीं इन्हीं वादियों में हमेशा के लिए खुद को रोक, लेकिन कर नहीं सकता, कारण आप सबको पता है। क्या कभी सोचा है आपने, पुष्कर में हम सरोवर के अलावा और क्या कुछ कर सकते हैं? यहाँ की कैमल सफारी, यहाँ की ये राइड, उतरते हुए जब आप इन घाटियों के नज़ारे देखेंगे आपको लगेगा राजस्थान में बहुत से स्वर्ग हैं। आप भी इस स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। केवल 165 रुपए की टिकट पर आप सावित्री माता मंदिर पहुंचिए, वापस आइए और रास्ते में प्रकृति के अद्भुत नज़ारे देखिए। ये लो, हम पहुंच गए वापस। पहुंचते ही स्थानीय कलाकारों का नृत्य देखकर मन हर्षोल्लासित हो गया। इतनी मेहनत करते हैं लोग। ये है प्रवेश द्वार जहां एक शानदार सा बरगद का पेड़ आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। उसके बाद कड़क चाय पीकर आप थकान उतार सकते हैं और उसके बाद पहुंच सकते हैं इन धोरों में, और साथ में कैमल सफारी का आनंद भी ले सकते हैं और सकते हैं स्थानीय कलाकारों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।